अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हमने ईपीएस देख लिया था, इस वीडियो में देखते हैं ओबीएस, ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कहते हैं ओबीएस को। जैसे ईपीएस क्या होता है, अपने प्रोजेक्ट लिखना, जैसे मेरा प्रोजेक्ट का नाम है न्यू प्रोजेक्ट, इसे मैंने चार सब प्रोजेक्ट बना लिए। अब इन सब प्रोजेक्ट्स के अंदर मैं एक्टिविटी डिफाइन करूँगा। जैसे इसके अंदर मेरी कुछ एक्टिविटी होंगी मेजर वर्क के अंदर, माइनर वर्क में कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, कोल्ड वर्क में कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, वार्म वर्क में कुछ एक्टिविटीज़ होंगी। अब उन एक्टिविटीज़ को लीड कौन करेगा, उन्हें सुपरवाइज कौन करेगा। इसके लिए हम जो सुपरवाइज़र होते हैं उन्हें हम ओबीएस में पहले से सेव करते हैं, जो इनको ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर से क्लिक किया। अब यहाँ पर मैं अपना ऐड करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कुछ नया एलिमेंट ऐड करना है इसके अंदर, तो मैं क्लिक करूँगा ऐड पर। ये मेरा न्यू ओबीएस आ गया है, वही एरो का मतलब इसमें भी सेम है, अलाइनमेंट के लिए होता है। मैंने अपना न्यू ओबीएस बना लिया, इसको मैं नाम दे देता हूँ डबल क्लिक करके। ये मैंने अपने नया ओबीएस तैयार कर लिया। इससे पहले मैं कुछ ओबीएस तैयार कर चुका था, ये मिसाल जुनैर अब्दुल्ला अथर, ये सारे मैंने ओबीएस इसके अंदर तैयार किए हुए हैं। अच्छा, अब इसको मैंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉट नहीं की, इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अथर की नहीं है, अब्दुल्ला की देखते हैं। नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लेकिन जुनैर के पास एक प्रोजेक्ट है PRLP के नाम से, और मुसाद के पास भी एक प्रोजेक्ट है PRL के नाम से। ये देखते हैं, ये देखिए मुसाद है मुस, इसके अंदर है दो प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास, एक है PRL और एक PRLP। ये पहले से मैंने थोड़ा अपना होमवर्क किया हुआ है। जो PRL है ये मुसाद अली के पास अलॉट है, और PRLP है ये जुनैर नूर के पास अलॉट है। लेकिन तभी OBS में बता रहे हैं कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। जो दो प्रोजेक्ट हैं, ये जो हमारे पास PRLP है ये जुनैर नूर के पास अलॉट है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में है, और दूसरा जो हमारा प्रोजेक्ट है PRL ये मुसाद अली के पास अलॉट है। ये प्रोजेक्ट पूरी जिम्मेदारी जो उसका पूरा मैनेजर होगा वो मुसाद अली है, और जुनैद नूर जो है वो PRLP का। अच्छा, अब हम एक अलॉट करते हैं अथर को प्रोजेक्ट। जैसे इसको पहले बंद कर देते हैं, मेजर वर्क है इस पर। अब मैं अपना पहले अपना प्रोजेक्ट बनाऊँगा इसके अंदर, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। जहाँ तक हमारा ये टास्क था कि हमने OBS कैसे फॉर्म करना है। थैंक यू।